आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं यहाँ आपके सामने प्रशस्त कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर नामक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता में कवि ने जीवन को अच्छी ढंग से जीने के लिए हमें ऐसी चीजें दे जाते हैं तो शायद हजारों किताबों में भी नहीं मिल पाती। ये कविता मेरे दिल की बहुत करीब है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐप नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जमाने से मैंने ना मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदले। एक घड़ी करीब कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी करीब कर हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती है। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, हस्ती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस कर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत है, लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत है, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। चाहता हूँ तो ये दुनिया को बदल दूँ, पर दो वक्त की रोटी की जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर, महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से कभी ना चला। यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं, पता नहीं था कि कीमत तो चेहरों की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है, दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। पैसे से सुख कभी खरीदा नहीं जाता दोस्तों, पैसे से सुख कभी खरीदा नहीं जाता, और दुख का कोई खरीदार भी नहीं होता। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, खुदा बैठा है तो हिसाब ना कर, ईश्वर बैठा है तो हिसाब ना कर। धन्यवाद।